हेलो दोस्तों, मैं वंदना कीरा। आज मैं आपको जो मैंने पोर्ट की टाइप सी A350 जो डाटा केबल ली थी, मैं उसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मैंने इस डाटा केबल की बहुत तारीफ़ कर ली है, जो तारीफ़ के लायक नहीं है। मैंने इसकी जो है खूबियों की वजह से इस जो है चार्जर केबल को मैंने परचेज किया था। यह एक फास्ट चार्जर केबल थी 3 एम्पियर। ये मैंने अपने नोकिया 8 पॉइंट के लिए लिया था, बट ये जो है, लेकिन इस केबल को ख़रीदते ही मुझे जो है काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा। इसमें मेरे जो ये डाटा केबल है, इसकी जो टिप है, एल्यूमिनियम की रिवर्सिबल टिप है, इसमें मेरे जो है नोकिया 8.1 के चार्जिंग केबल पोर्ट को जो है एकदम ख़राब कर दिया है। इसका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से, ये देखिए, इसने मेरी पूरी जो चार्जिंग बोर्ड होती है उसको पूरा जो है ख़राब कर दिया है। बोर्ड मेरी पूरी सही है, सिर्फ इसका जो ये चार्जिंग पोर्ट है ये ख़राब हो गया है, जिस वजह से मुझे पूरा बोर्ड जो है इसका चेंज करना पड़ा। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इससे इस जो है केबल से दूरी रहे तो अच्छा है। अगर आप अपनी नोकिया 8.1 की जो चार्जिंग पोर्ट है उसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो इस जो है चार्जिंग केबल से दूर रहें। ये बोट ब्रांड का है, वैसे तो इसके एडवांटेज रिक्वेस्ट के एडवांटेज बोलो तो ये एक अच्छी केबल है, मजबूत केबल है, ब्रेडेड केबल है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। बट इसकी जो डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो डायमीटर ज़्यादा है, जिस वजह से इससे मेरे जो पोर्ट है इसने मुझको इसको जो है इसको यूज करने से मेरा जो ये बोर्ड है पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है, जिस वजह से बिना वजह मुझे बोट टाइप सी A350 फास्ट चार्जिंग केबल से नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, ये मेरा बिल है 2800 रुपीज़ का। ये मैंने नोकिया ऑथराइज सर्विस सेंटर से इसे लगवाया था। अतः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो है चार्जिंग केबल से दूरी रहे तो अच्छा है, अगर आप अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।